अरे इसीलिए आपको बुलाया गया है, आप अगर आप जैसे लोग बुला सकते हैं, लेकिन बाकी वो जो और जो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप कहां पर हो, अगर जब तक के इस ये देश डूब जाएगा अगर आप लोग ऐसे लोगों को मान्यता दोगे जो कट्टरपंथी है, ऐसे लोगों को मान्यता दोगे जो मजहब के नाम पर बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों को मान्यता दोगे तो यकीनन इस देश को डुबोने का काम करोगे आप। तो ये जो चैनल है हमारे, उनको भी इस तरह के जो मजहब के नाम पर जो एकता और भाईचारे की जो बात करते, जो धर्म के नाम पे एकता भाईचारे की, बिल्कुल हम कुछ कॉलर की बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिलना चाहिए। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम अंकुश राणा है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जाकिर नाइक तक की बात नहीं है, मुझे तो लगता है पूरा जो माउंटेन कम्युनिटी है ये सिर्फ एक सिर दर्द है पूरे विश्व के लिए। अमेरिका इनसे लड़ रहा है, रशिया इनसे लड़ रहा है, जर्मनी इनसे लड़ रहा है, फ्रांस इनसे लड़ रहा है, हम बेखाम इनसे लड़ रहे हैं। हमारी खैरात में लिया हुआ पाकिस्तान है, उससे हमारे से कश्मीर की नजर है। हम सब लोग इतने डिफेंसिव क्यों हैं? हम सब इनसे क्यों नहीं हमला करते? ये कौन है, क्या है इस्लाम? ये हर किसी कम्युनिटी के लिए बोल देते हैं। मैं अमरीका सबका आह्वान करना चाहता हूँ, इन पे हमला होना चाहिए सबसे पहले। देखिए, ऐसी बात टीवी के प्लेटफॉर्म से नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ पर गलत सही तरीके से सही व्यक्ति पर सही हमला करने के बजाय गलत दिशा में करेंगे तो नाइक जैसे लोग छूट जाएंगे, फिर उनको एक बहाना मिल जाएगा। जो गलत है उसका आप बिगाड़ नहीं सके, और आप हमला करने की बात करें पूरे समाज पे, यही तो दिशाहीन लोग है जो नाइक जैसे असली गुनेगारों को छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब तक एक एफआईआर नहीं कर पाए नायक जी की वजह से। ट्रैक बदल, आप नायक जी को जितना चाहे मर्जी बुरा कहोगे, कोई मुसलमान संगठन, कोई मुस्लिम संगठन अगर आए कि भाई ये नायक जी का आपको डिफेंड करने के लिए आए तो मुझे बता देना, कोई नायक जी को कोई डिफेंस करने वाला उनका अपना कोई संगठन नहीं आएगा। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन क्या है, वो ट्रैक बदल के जो है ना पूरे इस्लाम मजहब को या और दूसरे मानने वालों जो आपके साथ खड़े हुए, जो नायक साहब के विरोध में खड़े हुए हैं, अजी काय का सगा साहब ऐसा आदमी है, ये काय का साहब है, काय का जी है ये? नहीं, उसको ऐसा, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम कब कह रहे हैं कि नायक साहब बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी है, काय का साहब है, और वो किसी मजहब, देखिए कोई मजहबी पेशवा है ही नहीं, कोई ये साहब नहीं है, कोई ये जी नहीं है। ऐसे आदमी को तो जूते सालों ऐसा ऐसा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से, अगर नायक साहब हिंदुओं की सहनशीलता है, देखिए हम लोग सहते जाएंगे, मैं जब पानी सारा यहाँ आ गया ना, नहीं सहने तो फिर मामला कुछ और होगा। सहने और हिंदू संगठन जिस दिन सड़कों पे आ गए तो नाइक लोग यहाँ नजर नहीं आएंगे। देखिए हम लोग नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर शांति और भाईचारा जो है वो रहे। अगर कोई शक्ति कोई ताकत साथ नायक हमारे देश को, अगर हमारे देश की शांति को दुशांत बचाने की कोशिश करेगी, इस्लाम के नाम के ऊपर सब लोग इस्लाम का नाम बुला करके देश को बांटने की कोशिश करेगी, हम देवी देवताओं का अपमान करेगी। कब जा रहे हैं ऐसे किसी व्यक्ति को बिल्कुल। मैं दोनों गेस्ट को यहाँ रोकूंगा। मैं यहाँ पर मैं दोनों अतिथियों को रोकना चाहूंगा। अफजल जी, अरे भाई आप झगड़ा करेंगे तो नाइक नाइक मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान हमारा है, हमारा देश है, ये शक्ति कोई ताकत आकर के हमारे हिंदुस्तान में हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये गणपति कौन है, मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते। अब मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है।